हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। ये एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसको इक्थियोलॉजी बोला जाता है, और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम फिशेस के स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि स्कल्स, स्किन, फिन्स, ये सब जितने भी जो फिशेस में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसका स्टडी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है फिश इंटैगमेंट, इंटैगमेंट स्किन, यानी कि जो फिश का स्किन है उसका स्टडी करेंगे हम इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो सिनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लेयर्स ऑफ स्किन। लेयर्स ऑफ स्किन में हम लोग नॉर्मल जो स्किन के लेयर्स होते हैं उसका स्टडी करेंगे। तो आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, इनर लेयर होता है उसको डर्मिस बोला जाता है, और जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसको हाइपोडर्मिस बोला जाता है। फिर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से लिख लेना, ये थोड़ा छोटा लिखा गया है। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में हम लोग जो फिश के स्किन होता है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद स्किन ऑफ जॉलेस फिशेस, स्किन ऑफ कार्टिलोजीनियस फिशेस और स्किन ऑफ बोनी फिशेस का स्टडी करेंगे। उसके बाद स्केल्स ऑफ फिशेस का स्टडी करेंगे, फिर फंक्शन ऑफ स्केल्स, कंक्लूजन और लास्ट में हम लोग रेफरेंस देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सभी एनिमल्स के शरीर के बाह्य आवरण के रूप में स्किन पाई जाती है, इसे इंटैगमेंट बोला जाता है। जितने भी जो एनिमल्स होते हैं सभी में बाहरी आवरण के रूप में स्किन पाई जाती है, और ये सबसे बाहरी परत होती है। स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिश के इंटैगमेंट नॉन केरेटिनाइज्ड और म्यूकस से कवर्ड होते हैं। स्किन शरीर की सुरक्षा करने के साथ साथ शरीर की सबसे बड़ी जटिल और महत्वपूर्ण अंग का कार्य करती है। फिश के इंटैगमेंट के अंतर्गत स्केल्स प्रमुख होते हैं जो कि डर्मल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आता है। फिश के इंटैगमेंट में मेनली दो लेयर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, लेकिन इनमें हाइपोडर्मिस भी पाई जाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग डेफिनेशन, इंटैगमेंट्री सिस्टम। इंटैगमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत स्किन एवं स्किन से डेराइव्ड समस्त स्ट्रक्चर्स आते हैं या फिर समस्त संरचनाएं आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेयर्स ऑफ स्किन। जो नॉर्मली स्किन के कितने लेयर्स होते हैं उसको हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिश के स्किन के लेयर्स क्या क्या होते हैं उसको स्ट्रक्चर से स्टडी करेंगे। तो वर्टिब्रेट में स्किन एक आउटर कवरिंग होती है जो मेनली थ्री लेयर से मिलकर बनी होती है। स्किन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है जो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस पाया जाता है, डर्मिस लेयर पाई जाती है। डर्मिस लेयर मेनली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। फिर है डर्मिस लेयर के नीचे एक और लेयर पाई जाती है जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। यह हाइपोडर्मिस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। फिर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है और एपिथेलियल टिश्यू से कंपोस्ट होती है। ये वही है जो हमने ऊपर में बोला, उसको यहाँ पे चार्ट के थ्रू समझाया गया है। डर्मिस होती है बिलो एपिडर्मिस होता है और ये कंपोस्ट बाय कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। फिर सबसे नीचे हाइपोडर्मिस होती है जो कि डर्मिस के नीचे होती है और कंपोस्ट बाय कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिश स्किन। वर्टिब्रेट में स्किन में मेनली थ्री लेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन फिश में मेनली टू टाइप के लेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें थ्री ही लेयर पाया जाता है। हाइपोडर्मिस फिश में पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फिशेस होते हैं जिनमें हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता है, और अगर पाया भी जाता है तो हाइपोडर्मिस में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं बना होता है। इसलिए कॉमनली हाइपोडर्मिस में जो स्ट्रक्चर होते हैं वह नहीं होने के कारण इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जितना भी जो फिश का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो एपिडर्मिस और डर्मिस तक पहुंचते पहुंचते सारा खत्म हो जाता है स्ट्रक्चर्स। हाइपोडर्मिस में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए आप चाहें तो हाइपोडर्मिस जिस फिश में पाया जाता है उसको बता सकते हैं, और कुछ कुछ फिशेज में हाइपोडर्मिस नहीं भी होता है, जिसमें आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है और इनर लेयर को डर्मिस बोला जाता है, तथा इसके साथ इनमें स्केल्स पाए जाते हैं और इनमें क्रोमेटोफोर भी पाया जाता है। यहाँ पे फिश का जो स्किन होता है उसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया गया है। तो देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस में म्यूकस सेल पाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा।
एमएलपी जीन लेयर्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाई जाती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है और डर्मिस लेयर में सब क्यूटिस और मसल पाए जाते हैं। और अगर हाइपोडर्मिस होता तो ये मसल्स के पास ही हाइपोडर्मिस होता। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ फिश स्किन विथ स्केल्स, यहाँ पे स्केल्स पाए जा रहे हैं तो स्केल्स होगा, और कुछ इस कुछ जो फिशेस होते हैं उसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं तो उसमें स्केल्स का स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के एक्टोडर्मल में वृद्धि और विस्थापन कंटिन्यू होता रहता है, यानी कि जो एपिडर्मिस है वो कंटिन्यू वृद्धि और विस्थापन करते रहता है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें म्यूकस सेल पाई जाती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया गया है म्यूकस सेल, सबसे एपिडर्मिस लेयर में म्यूकस सेल बताया गया है उसी को यहाँ पे बोला गया है। इसमें म्यूकस सेल पाई जाती है जो म्यूकस सेलेक्ट करते हैं, ये बैक्टीरिया एंड फंगस से प्रोटेक्ट करता है। और फाइव लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में फाइव लेयर पाए जाते हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो लेयर होता है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम में डेड हॉर्नी कैरेटिनाइट स्क्वामस सेल पाई जाती है, ये सिर्फ बोनी फिशेस में देखने को मिलती हैं। जो स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर होता है वो बोनी फिशेस में देखने को मिलती है। अब देखेंगे सेकेंड स्ट्रैटम ल्यूसीडियम, यह थिन लेयर होता है जो कि डेड सेल से मिलकर बनी होती है। फिर है स्ट्रैटम ग्रैन्यूलोसम, फिश में स्ट्रैटम ग्रैन्यूलोसम स्क्वामस सेल की एक पतली लेयर होती है और ये लिपिड के साथ बनी होती है जो इसे वाटरप्रूफ बनाती है। फिर है स्ट्रैटम स्पाइनोसम, यह मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बनी होती है और ये स्ट्रैटम ग्रैन्यूलोसम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, ये स्किन को स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। फिर है स्ट्रैटम बेसल, यह सबसे नीचे प्रेजेंट होती है जो कि डर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। यह सिंगल लेयर ऑफ कॉलम लाइक एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है और इसे जनरेटिंग लेयर ऑफ एपिडर्मिस भी बोला जाता है क्योंकि यहीं से एपिडर्मिस जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर पांचों लेयर के डायग्राम दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लेयर्स ऑफ फिश इंटैगमेंट, जो फिगर का नाम है उसका नाम है लेयर्स ऑफ फिश इंटैगमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। फिर है फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लंग्स फिश में एपिडर्मिस में सबस्ट्रेटम पर एडिशन के लिए स्पंजी क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। जो लंग फिशेस होते हैं उनमें एडिशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, सबस्ट्रेटम पर एडिशन के लिए स्पंजी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखेंगे डर्मिस, यह एपिडर्मिस से अधिक मोटा होता है। ब्लड वेसल नर्व सेंस ऑर्गन्स कनेक्टिव टिश्यू एंड पिगमेंटेड सेल क्रोमेटोफोर्स, ये सभी डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। फिर है फंक्शन ऑफ फिश स्किन, फिश में उनकी स्किन उनके बाहरी इन्वायरमेंट और हार्श कंडीशन से प्रोटेक्शन का काम करती है। यह उनके फिन्स लार्ज ऑर्गन्स को कवर करके रखती है। फिश इंटैगमेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गन से मिलकर बना होता है जो प्रोटेक्शन में, एक्सक्रेशन में, लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में और आयन रेगुलेशन में तथा थर्मल रेगुलेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है फिशेस स्किन, पहला है यहाँ पे स्किन ऑफ जॉलेस फिशेस। जॉलेस फिश में कॉमनली वे फिशेस आते हैं जिनमें जॉ नहीं पाई जाती है या जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, लैम्प्रे और हैग फिश, ये दोनों में जॉ नहीं पाई जाती है। ठीक है, जॉलेस फिशेस के पास थीक स्किन होती है और इनमें ग्रैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं। ग्रैंडुलर सेल्स जॉलेस फिशेस में क्यूटिकल का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे ही ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है, फिर स्मॉल म्यूकस सेल, लार्ज म्यूकस सेल और ग्रैंडुलर सेल से प्रेजेंट है, फिर डर्मिस और सबसे नीचे में हाइपोडर्मिस है जो कि फैट सेल से मिलकर बना है। ठीक है, हैग फिश के पास मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड्स पाए जाते हैं और स्लाइम ग्लैंड से स्लाइम सीक्रेट करते हैं जो कि फिशेस के स्किन में जो लसलसा या चिपचिपा पदार्थ होता है वो इसी स्लाइम ग्लैंड के कारण होता है। स्लाइम से फिशेस को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ये पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं और ये एक्सटर्नल पैरासाइट से प्रोटेक्शन करते हैं, इसे स्लाइम ईल्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कार्टिलोजिनियस फिशेस, कार्टिलोजिनियस फिशेस का बेस्ट एग्जाम्पल शार्क है। कार्टिलोजिनियस फिशेस में मल्टी सेलुलर थिक स्किन पाई जाती है, ये म्यूकस और सेंसरी सेल से कॉन्टेन होता है। इनके स्केल्स में प्लेकोइड्स हैं, यानी कि प्लेकोइड्स स्केल पाए जाते हैं जिन्हें डेंटिकल्स भी कहते हैं। इनके पास दांतों के समान संरचना होती है और इसी संरचना को प्लेकोइड स्केल्स कहते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं डेंटिकल्स। पता नहीं मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बैक नहीं हो रहा था जिसकी वजह से वीडियो पॉज करना पड़ा था। आगे देखते हैं डेंटिकल्स,
डेंटिकल्स ऐसे स्केल्स होते हैं जो ह्यूमन टीथ के समान संरचना वाली होती है। ये डर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये लाइफ टाइम तक ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के बाद इनका ग्रो होना बंद हो जाता है। इनके स्किन का टेक्सचर सैंड पेपर की तरह होता है और ये पिगमेंटेड लेयर से कॉन्टेंट रहते हैं। इसका डायग्राम है डेंटिकल्स का। एनामेल और डेंटाइन सेल मिलकर डेंटिकल्स बनाते हैं। उसके नीचे में पल्प पाया जाता है और पिगमेंटेड लेयर पाई जाती है। उसके नीचे में होता है डर्मिस और सबसे नीचे होता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब देखते हैं बॉनी फिशेस, जिसमें हम लोग लेबिया रोहिता में देखेंगे स्किन। बॉनी फिशेस में हम लेबिया रोहिता के स्किन को देखेंगे। इनमें मोटी स्किन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि ग्लैंडुलर सेल से बनी होती है। इनमें फोटोपोर्स और म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें डर्मल स्केल्स पाई जाती है। डर्मल स्केल्स देखते हैं। डर्मल स्केल्स डर्मल बोन से कंपोस्ट होता है। इनमें थीन लेयर डर्मल टिश्यू मौजूद होती है। ये अपनी डर्मल स्केल्स के मार्जिनल स्लाइड से ग्रो करती है। इनमें ग्रोथ लाइन भी पाई जाती है। ये है डर्मल स्केल का डायग्राम और ये जो मार्जिनल साइड लिखा है इधर से ये ग्रो करती है और ग्रोथ लाइन इसमें प्रेजेंट होता है। अब आगे देखेंगे इसके स्किन का, तो डर्मल टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसका स्केल्स पाए जाते हैं। डर्मिस होता है, इपिडर्मिस होता है सॉरी, उसके बाद डर्मिस होता है और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस होता है। ये स्किन ऑफ पॉनी फिशेस का डायग्राम है। उसके बाद देखते हैं म्यूकस सेल भी पाया जाता है बोले थे, तो बॉनी फिशेस में स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। ये इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये एक्सटर्नल बैक्टीरिया और पैरासाइट्स इन्फेक्शंस एंड प्रीडेटर से बचाती है। फिर है ग्लैंडुलर सेल्स। इनके ग्लैंडुलर सेल्स एल्कलॉइड्स जो भी बेसिक नेचर है पॉइजन या पॉइजनस होती है। इनका मेन वर्क यह होता है कि ये प्रीडेटर को इरिटेट करने का काम करते हैं। फिर है फोटोपोर्स। ये फोटोपोर्स की मुख्यतः पॉनी फिशेस में पाई जाती है। ये फोटोपोर्स रिकॉग्नाइज हुआ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं और अदर स्पीसीज को, जितने भी स्पीसीज होते हैं उनको ये फोटोपोर्स अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बॉनी फिशेस की स्किन सबसे ज़्यादा इनके रेस्पायरेशन के लिए इन्वॉल्व होती है। ये स्किन के थ्रू भी रेस्पायरेशन करते हैं। स्किन रेस्पायरेशन के लिए इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। फिर है स्केल्स इन फिशेस। फिशेस में स्केल्स भी पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है, कुछ में पाई भी जाती है। तो स्केल्स इन फिशेस में हम लोग देखेंगे, फिशेस की त्वचा से निकलने वाली एक स्मॉल रिज्ड प्लेट होती है जिसे फिश स्केल के नाम से जाना जाता है। ये स्केल्स इन्वायरमेंट और प्रीडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। स्केल्स के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं और मेनली फोर टाइप के होते हैं जो निम्न है। पहला है साइक्लोइड स्केल्स। साइक्लोइड स्केल्स एक समान होते हैं और इनकी बनावट चिकनी होती है। साइक्लोइड स्केल लार्ज थिन और ओवल शेप के होते हैं। साइक्लोइड स्केल का बाहरी किनारा चिकना होता है। इसका एग्जांपल है कार्प। यहाँ पर साइक्लोइड स्केल का डायग्राम दिया गया है, तो आप लोग डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे टीनोइड स्केल। टीनोइड स्केल से साइक्लोइड स्केल के समान ही होता है। टीनोइड स्केल के बाहरी किनारों पर छोटे 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 दांत लगे होते हैं जिन्हें टिनाई कहते हैं। इसका एग्जांपल है पेर्च और सनफिशेस। यहाँ पे देखिए अरेंज में लगे हुए हैं, तो इनके जो किनारे होते हैं उनमें जिग जैग बना हुआ है, उसको उसी को यहाँ पे दांत बोला गया है। तो ये टिनाइड स्केल का डायग्राम है। उसके बाद देखते हैं प्लेकोइड स्केल। प्लेकोइड स्केल ट्राइंगुलर रॉक स्ट्रक्चर होता है जो बोनी और स्पाइनी होता है। प्लेकोइड स्केल्स कार्टिलोजिनियस हिस्सेस में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है सार्क। यहाँ पे ट्राइडेंट स्पाइन्स बने होते हैं जो ऊपर में तीन खांचे बने हुए हैं, उसी को हम लोग ट्राइडेंट स्पाइन्स बोलते हैं। फिर डायमंड शेप्ड बेसल प्लेट होता है और ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी होता है। ये प्लेकोइड स्केल का डायग्राम है। उसके बाद देखते हैं गेनोइड स्केल्स। गेनोइड स्केल्स प्लेकोइड स्केल के समान होते हैं। गेनोइड स्केल एक इनामेल लाइक सब्सटेंस से कवर्ड रहता है जिसे गेनोइन कहते हैं। इसका एग्जांपल है गार्स और बोविन। तो ये गेनोइड स्केल्स का स्ट्रक्चर है, आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ स्केल्स इन फिशेस। स्केल्स के क्या क्या फंक्शन है उसको देखेंगे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से व प्रीडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। स्कार्प पैरासाइट्स और एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे फिश की बॉडी बेंड होती है और ये इजीली स्विमिंग कराती है। उसके बाद देखेंगे कंक्लूजन।
तो ओवरऑल स्टडी में हमने फिश के इंटेगमेंट्री सिस्टम का स्टडी किया, जिसमें हमने फिश के स्केल्स एंड इसके टाइप्स तथा इसके फंक्शन का भी स्टडी किया। रिफरेंस है इसमें वर्टिब्रेट जूलॉजी बाय आर एल कोटपाल और बाइनेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।